जय हिंद दोस्तों, और हमारे सभी न्यू व्यूवर्स का आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पे। सीबीएसई 10, 12 के एग्ज़ाम रद्द कर दी है, ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन 12 के मार्क्स देने की क्राइटेरिया क्या होगा, इसके बारे में अनुराग त्रिपाठी जो सीबीएसई के सचिव हैं उन्होंने क्या कहा है, और कभी कौन कौन से कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन कौन कौन से कैंसिल कर दिया है और किन की प्रक्रिया चल रही है, असम में क्या अप टू डेट भी आया है, इन सब को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। और न्यू व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है कि ताज़ा और बेहतर खबर पाने के लिए, स्टूडेंट के हित के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आई नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जी हाँ, सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कोविड-19 सिर्फ भारत के बच्चों को ही नहीं प्रभावित किया है, पूरे विश्व को के बच्चों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि 12वीं की मार्क्स देने की प्रक्रिया स्कूल स्तर पर होगा, स्कूल स्तर पर 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई में और सारे जो 12 के मार्क्स जो है, असाइनमेंट हैं, प्रैक्टिकल है, इंटरनल असाइनमेंट है, इन सभी का मार्क्स जो है सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि 28 जून तक अपलोड करने के लिए स्कूल को कहा गया है। उन्होंने कहा है सीबीएसई में वेबसाइट पर अगर स्कूलों ने अब मूल्यांकन चढ़ा दिया, अपलोड कर दिया, तो सीबीएसई बहुत जल्द ही मार्क्स को अप टू डेट करके जारी कर देगा। यह प्रक्रिया बहुत लंबी है, सो रिज़ल्ट का एग्जैक्ट डेट बता पाना अभी संभव नहीं है, ये अनुराग त्रिपाठी सचिव सीबीएसई के उन्होंने कहा है। हो सकता है 12 के छात्रों की परीक्षा जो है, जो भी हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, जो भी परफॉर्मेंस रहा है क्लास 9 और 11 के आधार पर, हो सकता है ग्रेडिंग सिस्टम पे मार्किंग आए, ये इन्होंने अनुराग त्रिपाठी ने ये भी बात कही है। छात्रों से निवेदन है कि सारी अप टू डेट और बेहतर जानकारी के लिए सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में cbse.nic.in या सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इधर बहुत से यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सभी ने अपने एडमिशन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। जो अभी क्या क्या प्रक्रिया चल रहा है, अभी तो 12 के रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जिसमें DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 15 जुलाई तक आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट दिया है। एग्जामिनेशन जो होगा वो 1st और 2nd वीक अगस्त में होगा। JNU जो है वो July 2021 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन भी जुलाई ही में हो जाएगा। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 1st और 2nd वीक जुलाई है, और एग्जामिनेशन जो होगा वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया एग्ज़ाम के लिए भी अपने एडमिशन फॉर्म जारी कर दिया है, जो लास्ट डेट 30 जून है, और इनका एग्ज़ाम भी आपके जुलाई में हो जाएगा। तो छात्र बेहतर और डिटेल जानने के लिए भी आप अपने इन सभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इधर स्टेट गवर्नमेंट ने भी एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। आपको पता है अप टू डेट कि 12 स्टेट के बाद 13वां जो है वो जम्मू एंड कश्मीर भी है, जो अपने अपने एग्ज़ाम को कल रात में कैंसिल कर लिया। इसलिए अब हम सभी छात्रों के लिए बहुत बेहतर खबर है कि अब बहुत जल्द आपको जो न्यूज़ मिलेगा कि सीबीएसई और स्टेट के साथ साथ आपके अपने स्टेट त्रिपुरा, असम और झारखंड के भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप अपने तैयारी को धीरे धीरे बनाए रखें भी, और एग्ज़ामिनेशन रद्द होगा, पढ़ाई से नाता कभी नहीं छूटे, चाहे एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, पढ़ाई आप धीरे धीरे करते रहें और बेहतर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे टीम की मेहनत आप तक जो किया जाता है वो सही मूल्यांकन हो सके। जय हिंद, जय भारत।